हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में, और किचन में बनाऊंगी मैं मसूर की दाल और राइस। वन टाइम खाना बना रही हूँ बहुत दिनों से, और वन टाइम ही खाना खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सामान खत्म हो जाएगा तो बाहर लेने जाना पड़ेगा, और जो घर में पैसे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे तो दूध कैसे लेंगे। तो उसकी वजह से बहुत लिमिट में चल रहे हैं और बहुत लिमिट में ही काम चला रहे हैं। तो बस यही सब चल रहा है। आज वीडियो बनाने का कुछ प्लान नहीं था, पर मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोगों से बात कैसे हो पाएगी, नहीं तो फिर अगर बात ही नहीं करूंगी तो। बहुत टेंशन चल रहा था, बहुत बहुत ज्यादा निगेटिविटी लग रही थी मुझे, तो नमक डाल के पोछा मारी, घर को पूरी तरह से साफ किया और थोड़ा सा रेडी हो गई, क्योंकि पूरा फेस मुझे खुद पे ही बहुत खराब लग रहा था कि मेरा फेस कैसा लग रहा है। बाल, हालांकि मैंने बाल आज नहीं धोए हैं, बाल मैंने कल धोए थे, तो थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई, पर पानी अभी कम है तो सोचती हूँ मैंने लिपस्टिक तो लगा ही लिया है, अभी इसे पोछूंगी कैसे, निकालूंगी कैसे। तो गुड मॉर्निंग। तो क्या गाइस, दोपहर होने को आई है और बजे हैं अभी मुझे लगता है 2-2.5 बज गए। तो अब जा रही हूँ, मैंने भिगा तो दी है मसूर की दाल और चावल, भिगा दिए हैं, कुकर में लगा दिए, मतलब अब मैं उसे सिर्फ गरम गरम बना लूंगी तो खाना तो हो जाएगा। तो गाइस, आप लोग भी कमेंट कीजिए ना कि आपने क्या बनाया खाना, मुझे अच्छा लगेगा सुन के। मतलब मुझे भी, आप लोग तो मेरी फैमिली हो, मुझे भी जानना है आप लोग क्या कर रहे हो इन लॉकडाउन के दिनों में। हर तरफ निगेटिविटी छाई हुई है, बहुत निगेटिविटी छाई है, कोई काम पे नहीं जा पा रहा है, पर जिनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया ना उनकी तो मजे पड़ गई है, पर हमारे नसीब में ये सब नहीं है। हमारा तो काम भी ठप है और पैसा भी आना बंद है, सब कुछ बंद है और चारों बाजू टेंशन ही टेंशन लगा हुआ है। तो गाइस चलिए, मसूर की दाल बनाती हूँ, पहले खाना वाना खाते हैं क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सोच सोच के ना दिमाग की बत्ती गुल हो गई है मेरी, दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, और डर डर के भी आधा जान घबरा गया है, बहुत घबरा गया है। ये कैसा वायरस आया कि जो पूरी तरह से मतलब चैन नहीं लेने दे रहा है। बहुत दिनों में लिपस्टिक लगाई ना गाइस, तो लिपस्टिक भी बराबर से लग ही नहीं है ऐसा लग रहा है। मेकअप तो किया ही नहीं है बहुत दिनों से, अपर लिप्स नहीं की है मैंने, सोचिए आप। और अब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ओ गॉड, बहुत ज्यादा अपर लिप्स बढ़ गई है। पहले मैं इसको ब्लीच करूंगी, उसके बाद अपर लिप्स करूंगी। तो चलिए चलते किचन में और बनाते हैं खाना। हे भगवान, इस कोरोना को जल्दी से भगा दो भाई, सब काम रुके हुए हैं और परेशान हो रही हूँ मैं एकदम से। तो चलो जल्दी जल्दी कोरोना को भगाओ भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। कुछ भी नहीं हुआ, क्या घबराहट हो रही, घबराहट हो रही है? अरे कुछ भी नहीं। तो गाइस देखिए, मैंने पापड़ वापड़ सब निकाल लिए, अभी मैं इसको तलूंगी और बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल। तो पापा ने, अतिथि से बात कर रही हूँ गाइस, 2 मिनट 2 मिनट मुझे दीजिए, अतिथि को बता देती हूँ पापा ने क्या बोला, उसको पापा की चिंता हो रही है। तो पापा ने बोला ये कि कुछ नहीं, अभी जब वो लोग आएंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि जयके रिसोर्ट में सारे डॉक्टर्स लोगों को वगैरह को रहने को दे रहे हैं, तो वो भी बहुत डर लग रहा है। पर गुजरात में कुछ हुआ ज्यादा है नहीं, एक ही पेशेंट मिला था कोविड का, तो इसलिए डर नहीं है, अभी आएंगे तब देखा जाएगा। बेटा कोई इलाज ही नहीं है, अभी पापा वहां फंसे हुए हैं, पापा वहां से यहाँ आ ही नहीं सक रहे, ट्रेन ही बंद है तो क्या, कहाँ से आएंगे? तो उसमें डरने का कुछ भी बात नहीं है। और आज इसने हाथ काट ली अपर लिप्स करने के चक्कर में, तो अब मैं अपर लिप्स, मेरी भी अपर लिप्स नहीं करूंगी, मैं ब्लीच कर लूंगी और अतिथि को भी ब्लीच करने लगाऊंगी। ओके, तो चलिए बनाते हैं मसूर की दाल। तो उसके लिए मैंने मसूर की दाल भिगा ली थी, देखिए। तो इसको एक छोटी सी सीटी ले लेते हैं, फिर बघा लेंगे। सो
सच में ना गाइस, पूरा ना पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया है, पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया है। और जान है कि इस तरह से घबरा रहा है कि ना पूछो बात क्या करे और क्या नहीं। मेरा तो चारों बाजू से जान घबरा रहा है। अतिथि को भी जाना पड़ता है ना हॉस्पिटल, और जय के यहाँ रिसोर्ट में सारे डॉक्टर लोग को रख रहे हैं। ये मैंने फ्रिज को थोड़ा सा सफाई किया तो वाल मिले तो वाल भिगा दिए हैं, और थोड़े मैंने चने भिगा दिए हैं। देख रही हूँ सब सब्जी वालों को, इसको उसको करोना हो रहा है। ये चने और चौली मिले थे मुझे फ्रिज में से, तो मैंने वो भी भिगा दिए। अननेसेसरी सामान स्टोर मत करो सब लोग। अननेसेसरी सामान स्टोर करोगे ना तो दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा सामान, इसीलिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा लिमिट में। ये मैंने धो दिया था अच्छे से, अब इसमें पानी भरूंगी। तो इतना अच्छा है कि पानी वगैरह मिल जाता है, क्योंकि मैं पानी बाहर से मंगाती हूँ बिस्लेरी, तो मुझे पानी की तो बहुत बहुत किल्लत हो जाती थी। अगर पानी नहीं मिलता था तो मैं कैसे क्या पानी उबालती थी। मेरे पास तो फिल्टर भी नहीं है, मैंने कभी लगाया ही नहीं, तो मैं कैसे पानी उबालती थी और कैसे वो फिटकरी वगैरह घुमा के उसको क्लीन करती थी, समझ में नहीं आता। ये थोड़े वो चावल के पापड़ हैं, तो आज सिर्फ दाल और यही है खाने को। और गाइस मुझे ना इस बार पापड़ नहीं मिला, तो मेरे पास ना इतना कम पापड़ है, तो वो मैंने बचा के रख लिया। इतना ही है अब पापड़, इतना ही है। तो हमारे एरिया में ना थोड़ा सा लोग इतना भी रॉयल स्टैंडर्ड से नहीं रहते हैं, सादा सिंपल जीवन जीते हैं। और सच में उनका सादा सिंपल जीवन, आज मैं हेड्स ऑफ करती हूँ उनको, सोसाइटी के लोगों को, सच में इतनी शिस्त पाल रहे हैं और बिल्कुल भी बाहर नहीं कर रहे हैं, और जो राशन मिल रहा है उसी में खा रहे हैं। और ज्यादा बेचारे थोड़ा कमाते हैं थोड़ा खाते हैं, सच में पूरा सोसाइटी के लोग इतने अच्छे हैं ना, कि ये कुछ साबुदाने के पापड़ है। स्टोर की हुई चीज कितनी काम आती है। तो गाइस चलिए पहले मैं मसूर बघार लेती हूँ, उसके बाद पापड़ वापड़ तलती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और मोबाइल के सामने देखने पे ना बार बार ना ब्रेकिंग न्यूज आता रहता है, तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि बाप रे ये क्या आ गया, क्या आ गया। स्क्रीन पे अगर शो करता है तो ऐसा लगता है अरे बाप रे ये क्या आ गया गया। और इतने दिन तो पूरी लाइफ में छुट्टी नहीं मारी होगी, पूरी लाइफ में साल की सिर्फ एक मिलती थी छुट्टी, वो भी होली की, रंगपंचमी की। इतने दिन तो एक भी दिन छुट्टी नहीं। और ये छुट्टी कैसी है, खुशियों की छुट्टी नहीं है, टेंशन वाली छुट्टी है, टेंशन वाली जान घबराने वाली छुट्टियां चल रही है। तो बस गाइस चलिए पहले बघार लेती हूँ मसूर की दाल। तो गाइस मैंने मोबाइल यहाँ सामने लगा दिया है और मैं तल रही हूँ पापड़ एक साइड पे। अभी आपको तल के बताती हूँ। अतिथि मुझे हेल्प नहीं करती है जरा भी वीडियो निकालने में। वीडियो निकाल लो मेरा बेटा, ऐसे क्यों करता हो। तो ये है देखिए गाइस चावल के पापड़ जो मैं तल रही हूँ अभी। थोड़ा थोड़ा तलती हूँ, ज्यादा नहीं तलती हूँ, इसको वापस रख लेती हूँ। दो पापड़ होते थे, एक साइड पे राइस रखा है ना गाइस, तो राइस उड़ा रहा है। अतिथि चावल के पापड़ खाएगी नहीं, तो दो पापड़ उसके लिए कर देती हूँ। ये गार्लिक वाले पापड़ हैं उड़द के। पत्ते हो गए हैं भाई। हे भगवान, ये राइस की वजह से ऑनियन डाल रही हूं मैं। मसूर की दाल में ना गाइस जितने ऑनियन ज्यादा हो ना उतना अच्छा लगता है।
ऑनियंस होते कर रही हूँ मैं थोड़े, और ये मोटे मोटे ऑनियन मैंने इसलिए काटे हैं कि अच्छे से मुँह में आए। इसमें मैंने दही जमाया है, देखते हैं कैसा जमा है। वाओ, घर पे दही जमाया था। मम्मी ने बोला था कि ऐसे छोटे छोटे श्रीखंड के डब्बे रहते हैं ना, उसमें दही जमा देने का, दही बहुत अच्छे से जमता है। तो उस दिन दही वड़ा बनाया था ना गाइस, तो थोड़ा सा जामुन रख दिया था, दही रोज़ अब ये दाल चावल के साथ दही बहुत अच्छा लगेगा, तो आज खाएंगे और थोड़ा सा जामुन फिर से रख दूंगी, तो दूसरा डब्बा साफ डब्बे में फिर से दही जमा लूंगी। तो तुम्हें बता दी, तो गाइस इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, मैंने गैस थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी। गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, कांदा, टमाटर तो नहीं है, टमाटर नहीं है गाइस, क्या करेंगे क्या करेंगे, हर चीज में परेशानी है, हर चीज में परेशानी। तो ये मेरी मसूर की दाल पक गई है और इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। और गाइस आपको पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा नमक खत्म होने को आया है, तो ये नमक ना, ये नमक फुल आँखा वाला नमक रहता है ना, वो नमक है जो मैंने सिर्फ बाथरूम में कटोरी भर के, कांच के बाउल में भर के रखते हैं या किचन में रखते हैं तो निगेटिविटी जाती है, उसके लिए ये वाला नमक लाया था, पर अभी मेरा नमक खत्म हो गया है तो इसलिए इसको मिक्सी में पीसूंगी और यही नमक चलाऊंगी अभी 15 दिन। बट अभी थोड़ा है नमक, थोड़ा है, 15 दिन तो शायद चल जाएगा। और अगर आपको मसूर की दाल राइस के साथ खानी है तो थोड़ा सा आपने नमक ज्यादा डालने का, ताकि फीका ना लगे, ये दाल बहुत टेस्टी लगती। थोड़ा सा मुंह का टेस्ट खराब हो गया गाइस, इसीलिए मैं थोड़ा इसको तीखा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी कोकम, इमली, कोकम इमली जो भी मिले, अभी मेरे हाथ में जो आएगा वो डाल दूंगी मैं। इमली आ रही है मेरे हाथ में, अभी तो इमली ही डाल देती हूँ। अच्छा कि अपन साल भर का इमली तो बना के रखते हैं। इमली तो बहुत पड़ी हुई है, तो गाइस नींबू नहीं है ना, इसलिए इमली का टेस्ट अच्छा आएगा। तो मेरी दाल रेडी हो गई है, थोड़ी देर थोड़ा सा दही के साथ खाना है तो बहुत पतली नहीं बनाऊंगी, तो हो गई है गाइस। मम्मा थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा मुझे स्पून से खाना है। हाँ अतिथि के हाथ में लग गया है ना, अपर लिप्स कर रही थी महारानी, अपर लिप्स, खुद का अपर लिप्स बहुत बड़ा लिया, उसको बोला पहले ब्लीच करेंगे उसके बाद अपर लिप्स करेंगे, पर सुनने कोई तो ना। तो आज मैंने मसाले के डब्बे में मिर्ची विर्ची से भर दिया अच्छे से, अच्छे से, ये ना रेड मिर्ची पाउडर में, ये रहा कोकम, कोकम नहीं है, वो कोकम नहीं है, वो खटाई है, खटाई आम की खटाई है, भी खटाई करता है ना वो भी। हाँ वो भी चलता था। तो दाल तो रेडी है और दिखने में सुंदर दिख रही है, इसके ऊपर अगर मैं कोथिंबीर डालती थी तो कितना सुंदर लगता था, क्या करें, लॉकडाउन के दिनों में इसी तरह से खाना खाना है, जो भी घर में उसी में कुछ भी करके खाना खा लेना है। पहले थाली परोसते वक्त ना राइस नहीं डालना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा मसूर का दाल पहले ही डाल लेती हूँ, फिर राइस ले रही हूँ। तो अब ये दाल मैं उसमें और ले लूंगी, लींबू नहीं है ना गाइस, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, लींबू के बगैर कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे हर चीज में लींबू चाहिए रहता है। हमारे पास झाड़ भी था लींबू का, लींबू का कितना अच्छा झाड़ था, आज इतना काम आता था ना। तो दही भी ले लेते हैं साथ में, पापड़ तो ले ही लिया है, और कहाँ रखूँ दही, ओके यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा सा दही जामन के लिए बचा लूंगी। तो चलिए गाइस आप लोग भी आ जाइए खाना खाने।
इस कोरोना के चक्कर में ना हम पागल हुए पड़े हैं। न कपड़े पहनने का होश है, न किसी बात का होश है। सच में गाइस एकदम से परेशान हो गए हैं, एकदम से परेशान। देखिए हालत कितनी खराब हुई है, बालों की हालत देखिए, फेस की हालत देखिए। आज मैंने कितने दिनों के बाद लिपस्टिक लगाई है। सोचा थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाती हूँ, और बस बहुत नेगेटिविटी फैली है। ऐसा लग रहा है नमक का पानी डाल के मैंने पोछा मारा, और नहीं अच्छा लग रहा है। बस अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसे सोचा कि ये बात मैं आपके साथ शेयर करूं। तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात करूं आपसे। तो गाइस मैं अभी लगा रही हूँ ऑयल, और ये है एरोमा मैजिक कैस्टर ऑयल, और क्या है आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल के ड्रॉप्स है। तो थोड़े ये लूंगी और थोड़ा ये लूंगी, और अतिथि को ऑयल मसाज कर रही हूँ। तो देखिए आप, सुनिए ऐसे नहीं करना चाहिए था, इधर होल कर देना चाहिए था। नहीं वो निकलता नहीं है, वो जा रहा है देखो। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा देना है, और कोकोनट ऑयल लाऊं इसमें? कोकोनट नहीं, आलमंड ऑयल इतना ऑयल मत लगा। तो मैं अभी करने जा रही हूँ अतिथि की चम्पी, और ये ना मुझे करने नहीं देती है। उसको ऐसा लगता है फेस पे आ जाएगा। रुक ना, फेस पे नहीं लगा रही हूँ ना। ये तो खत्म हो गया, जरा हाथ हटा तो मैं थोड़ा सा ठीक करूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, अतिथि का हाथ ना आज थ्रेड से कट गया है अपर लिप्स करते करते, इसीलिए उसने खुद के ही कर रही थी, और इसीलिए वो मसाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि मसाज करेगी तो सब दुखेगा ना, इसलिए मम्मी मुझे तेल लगा दिया, इसलिए मैं लगा के दे रही हूँ। गाइस हम लोग ना सारी कोशिश कर रहे हैं पूरी निगेटिविटी दूर करने की, अपने अंदर की जो निगेटिविटी है लॉकडाउन के चलते, जो निगेटिविटी है वो सारी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी अभी फ्री हो तो अपने हस्बैंड की, अपनी सासू माँ की, ससुर की, या अपने भाई लोगों की, या अपने बेटियों की, या अपने बहन की, मम्मी की, सबकी चम्पी करिए घर पे। देखो कितना एंजॉय करोगे, कितना अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लग रहा है अतिथि भी मेरी करके देगी। इसके बाद हमने दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, अगर मैं करूंगी तो आप भी मुझे करके दोगी। तो हाथ में लग गया ना, पर अतिथि को हाथ में लग गया है, इस बार उसको मैंने छुट्टी दे दी, बस हो गया। तो गाइस मसाज करने के बाद ना ये वाला कोम यूज करूं, आपका ऑयली हो जाएगा, चलेगा? हाँ मैं धो लूंगी। तो बहुत देर तक आपने मसाज करने के बाद उसे कोम करना है। अब क्यों, अब क्यों, अब मुंह क्यों ढक रही हो? अब तो हो गया ना। और तेल लगाओ नीचे, और भी तेल लगाओ। ओके गाइस, तो हम ऑयल लाने के बाद अब जा रहे हैं चाय पीने। तो आज टर्न लिया है अतिथि ने चाय बनाने का, और देखिए छलनी का आवाज कर रही है जोर जोर से। अभी लेके आएगी चाय। ये ना दीवार ये हो गई है, फूक गई है इससे, तो उसे रिपेयर भी करवाने का है, पर अभी तो सब कुछ बंद है तो कोई रिपेयरिंग काम होगा नहीं। आ गई अतिथि चाय लेके। थैंक यू।
देखो कितनी मेंटल है, गैस चालू ही रखी थी, चाय छान के लेके आ गई, तब तक वो गैस गैस चालू ही दीवाला निकालेगी। चलो चाय पी लेते हैं पहले। तो गैस चाय एवन बनी थी अतिथि, और ऑयल मसाज करके कैसा लग रहा है आपको? चंपी तेल चंपी कैसा लग रहा है? चंपट हो गया, पर मैंने बॉटल में छोटी बनाई। और अभी घर पे ही है तो क्या, वही लॉकडाउन है तो सब कुछ आराम चल रहा है। मोटे हो रहे हैं। सच में मैंने जो मॉर्निंग में ड्रेस पहना था ना, मुझे थोड़ा टाइट भी लग रहा था, मतलब मुझे ऐसे लूज लूज कपड़े पहनने को। पर ठीक है, मुझे तो बहुत काम रह रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ वही, मुझे जाने भी नहीं मिल रहा है। और मुझे थोड़ा सा ये भी है कि बहुत फार है ना, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वहाँ पे बहुत सारे कोरोना के पेशेंट है पूरे तो वार्ड बहुत में। डरपोक है। तो गाइस आज मेरे यहाँ डिनर में बन रहा है कांदा भजिया, और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ अपनी लाइफ टाइम में, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कांदा भजिया। मैंने कभी बनाया नहीं था, हाँ शादी के पहले शायद बनाया हो, ऐसा सब बनाने को चांस ही नहीं आया। पूरा दिन पार्लर में रहती हूँ तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें बनाने को कभी चांस ही नहीं आया। अभी घर पे रह रही हूँ तो डिनर के लिए कांदा भजिया बन रहा है। तो गाइस मेरे कांदा भजिए रेडी है, और स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी, साथ में मैं पी रही हूँ ये वाला रियल का फ्रूट जूस, मैंगो जूस है। तो उस दिन मेडिकल स्टोर में गई थी ना, 21 डेज का लॉकडाउन का सुना, वैसे मेडिकल स्टोर में भागी थी अपना बीपी का गोली लेने, तो ये दिखा सामने, मैंने उठा ही लिया, तो तब से पिया नहीं था। तो कल हमने ओपन किया और आज हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। तो गाइस चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने को, टोमेटो सॉस के साथ खाएंगे। चप्पी में बर्तन देखो, मेरा दिल दीवाना, बोले धोले 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 धोले। गाइस लोग भी कितना कैसे कैसे गाने वगैरह इसमें डाल देते, इतनी मजा आ रही है कि पूछो मत। बर्तन तो मैं ऑलवेज पहले भी धोती थी और अब भी धोती हूँ, मेरे लिए कुछ ही नया नहीं है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और 2 दिन से वीडियो बना के पड़ा है लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से डालने का मूड नहीं हो रहा था, तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पहले ये सारे बर्तन घसती हूँ और दूसरे वीडियो में आपको मिलूंगी मैं। बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए। ओके।